भतीजा अगर शेर है तो चाचा सवा शेर है। अखिलेश यादव को अब शिवपाल की सख्त जरूरत। शिवपाल सियासत के हैं पुराने और मजे हुए खिलाड़ी। नेताजी की जब जब सरकार बनी बाजीगर शिवपाल ही रहे। अब एक बार फिर शिवपाल का साथ होना है बेहद जरूरी। अगर शिवपाल साथ नहीं आए तो देखिए फिर क्या हो सकता है। देखिए कैसे शिवपाल अखिलेश कमाल कर सकते हैं। देखिए कहां पर अखिलेश यादव कर बैठे हैं बड़ी गलती और देखिए कैसे शिवपाल बन सकते हैं अखिलेश के मांझी। उत्तर प्रदेश में जब जब सपा की साइकिल ने रफ्तार पकड़ी तो हैंडल और पैडल दोनों पर ध्यान शिवपाल सिंह यादव ने ही दिया। भले ही चुनाव का नेतृत्व नेताजी मुलायम सिंह यादव ने किया हो लेकिन जीत के बाजीगर शिवपाल सिंह यादव ही रहे। ये बात नए समाजवादी भले ही ना जानते हो लेकिन पुराने सियासी सिकंदर चाहे वो सपा में हो या फिर सपा से बाहर के हो, सबको पता है कि नेताजी की राजनीति की सबसे बड़ी धुरी शिवपाल सिंह यादव ही रहे। फिर चाहे अखिलेश यादव के नेतृत्व में 5 साल 2012 से लेकर 2017 तक सरकार क्यों न चली हो लेकिन उस वक्त सपा को जीत का स्वाद चखाने में शिवपाल सिंह यादव का बड़ा हाथ रहा। साल 2012 के विधानसभा चुनावों के वक्त जब नेताजी ने शिवपाल सिंह यादव से तत्कालीन मायावती सरकार के खिलाफ हल्ला बोल का आदेश दिया तो फिर शिवपाल सिंह यादव ने संगठन के प्रमुख चेहरों के साथ मिलकर जो रणनीति बनाई उसने मायावती के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी का ऐसा माहौल तैयार किया कि सपा की ताजपोशी सत्ता में हुई। शिवपाल सिंह यादव की खासियत यही रही कि नेताजी ने दिल्ली की सियासी पारी को संभाला और शिवपाल सिंह यादव ने यूपी के लोकल नेताओं की नब्ज को पकड़े रखा। शिवपाल सिंह यादव ही वो नेता रहे जो सपा की मजबूती के लिए गांव गली और खेड़े तक के नेताओं को अपने साथ बांध कर रखते थे। शिवपाल सिंह और नेताजी की जोड़ी का ही कमाल था कि भले ही कभी किसी दल की जीत हुई हो लेकिन सपा का झंडा हमेशा ऊंचा ही रहा। 2017 में पार्टी की कलह ने शिवपाल को अलग कर दिया और अखिलेश यादव ने संगठन के साथ साथ सरकार की जिम्मेदारी भी अपने हाथ में ले ली। वो बात अलग है कि अखिलेश यादव को सरकार चलाने का अनुभव है लेकिन संगठन संभालने में वो अभी भी फेल से दिखाई देते हैं और ऐसे में चाचा का साथ होना उनके लिए बेहद जरूरी है। ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि अगर शिवपाल सिंह साथ आ जाएं तो बीजेपी की प्रदेश से विदाई समझिए तय है लेकिन इसके लिए वक्त से पहले चाचा को साथ लाना होगा और संगठन की बेहतरी करनी होगी क्योंकि पंचायत चुनावों में जिस तरह का हाल सपा का दिखा वो बताता है कि पार्टी आला कमान की पकड़ लोकल नेताओं पर कमजोर है और लोकल नेता भी हालातों को भांपने में फेल होते दिखाई दे रहे हैं। सियासी जानकारों का कहना है कि शिवपाल सिंह यादव साथ होते तो सपा जिला पंचायत अध्यक्ष चुनावों में सत्ताधारियों की ईंट से ईंट बजाने का मादा रखती थी लेकिन चाचा से दूरी और संगठन की कमजोरी सपा को ले डूबी। अब ऐसे में चाचा का साथ आना 2022 के लिए बेहद जरूरी है और इसके लिए अखिलेश यादव को अभी से कमर कसनी होगी और चाचा के सामने एक बड़ा प्रस्ताव रखना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।